कालीचरण महाराज जी गिरफ्तारी पर बड़ी अपडेट। गिरफ्तारी का पूरा खेल, खजुराहो से नहीं किए गए गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को पर्यटन नगरी खजुराहो से गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट कालीचरण जी की गिरफ्तारी से सामने आई है। कालीचरण जी महाराज को जाने माने सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले अंतर्गत ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम से एक निजी होम स्टे से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अनुसार 28 तारीख को देर रात ग्राम गढ़ा पहुंचे थे कालीचरण महाराज जी और सुबह लगभग 2 बजे रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। होम स्टे संचालक अनुसार कालीचरण महाराज जी के साथ 4 और लोग रुके हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ले गई है। इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी रायपुर पुलिस द्वारा नहीं दी गई थी। कालीचरण महाराज जी के खिलाफ रायपुर और पुणे में केस दर्ज किए गए थे। दरअसल कालीचरण महाराज जी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद के दौरान कहा था, 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथुराम गोसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। रवि कुमार गुप्ता, बमीठा, चंदनगर। सुबह निकल गए, फिर सुबह कल पुलिस आ गई थी, तो वो दबा गए। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई, 2 बजे। अच्छा, कितने लोग थे उनके साथ कालीचरण जी के? 4 लोग। सभी लोग को पकड़ के ले गए? ये 2 लोग को ले गई, 2 लोग को छोड़। पुलिस की टीमें कितनी आई हुई थी, कहाँ से आई थी? रायसेन से बता रही, रायपुर। आप क्या देखते? 2 गाड़ियाँ आई थी। आपका नाम क्या है? शंकर सिंह। क्या देखते हो यहाँ पे? सर अपना ही है ना गाड़ी, मकान आपका है? ये प्राइवेट लॉज है जो भी आश्रम में आते हैं। बमीठा थाना पुलिस आई थी तो किसको ले गई अभी पूछताछ के लिए? पिताजी को ले गई। क्या नाम? कितने बजे गिरफ्तारी हुई थी लगभग रायपुर पुलिस द्वारा? आज सुबह वो 2 बजे आए थे। मतलब आए थे तो दिन भर रहे, लेकिन बाकी 2 बजे आए थे।